आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कल से जैसे ही घोषणा हुई है कि राहुल गांधी अपनी दूसरी सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे न कि अमेठी से, तब से जैसे भारतीय जनता पार्टी को और बहुत सारे लोगों को ये मौका मिल गया है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी ने कायरता पूर्वक अमेठी सीट छोड़ दिया। जबकि आपको बताऊं कि अमेठी से वो सांसद नहीं है, सांसद वो वायनाड से हैं और वायनाड के लोगों ने उन्हें पिछले बार प्रेम दिया था, उन्हें चुना था, सेवा दी उन्होंने। तो मुझे एक कारण बताइए कि वो वायनाड से चुनाव क्यों ना लड़े, लड़ना चाहिए ना, तो वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक व्यक्ति दो सीटों से ही मैक्सिमम चुनाव लड़ सकता है, यानी कि उनके पास बच गई एक सीट। अब उनके पास चॉइस बचती है रायबरेली या अमेठी में से, जिसमें से अमेठी के लोगों ने पिछले बार उन्हें रिजेक्ट किया था। रायबरेली में अलबत्ता उनकी माता सोनिया गांधी बहुत लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते आ रही हैं और एक बड़ा जबरदस्त इमोशनल कनेक्ट है। इस बार सोनिया गांधी ने बूढ़ी उम्र के कारण और अपनी खराब तबीयत के कारण चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। तो वो कोई प्रधानमंत्री की तरह तो है नहीं कि 74 साल की बूढ़ी उम्र में भी मुझे फिर से 5 साल मौका दे दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा करने की बातें कर रहे हैं, जबकि 22 साल के नौजवान को इस देश के रिटायर करने की बातें कर रहे हैं। 50 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के लोगों को रिटायर जबरन कर रहे हैं, बीएसएनएल के लोगों को बीएसएनएल वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जबरन फोर्स कर देते हैं, तमाम लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है कम उम्र में। लेकिन 50 से 24 साल ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है और वो दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दो। तो सोनिया गांधी तो कोई नरेंद्र मोदी है नहीं, इतना लालच किस बात का, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं बनी, मौका उनके पास था। तो ये फर्क है थोड़ा सा, आप इसे अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन फर्क ये है। तो राहुल गांधी के पास अमेठी और रायबरेली में से जो मौका बचता था उसमें से उन्होंने रायबरेली चुना। अब मैं आपको बता दूं कि यदि कायर की बात करनी है तो आप 2014 का चुनाव याद कीजिए। 2014 में एक नया नवेला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल बनारस से उतरा, नरेंद्र मोदी बनारस उतरे। सबको पता है कि जो भी राष्ट्रीय पटल पर लीडर उभरना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसके अराउंड पूरी पॉलिटिक्स घूमे, ऐसा जब गेम सेट किया जाता है तो वो घूम फिर के उत्तर प्रदेश में जरूर आता है। और इसलिए गुजरात का वो आदमी नरेंद्र मोदी वो आता है वाराणसी। वाराणसी वो चुनाव लड़ने आया। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली से थे, उन्होंने चुनौती दी, वो बनारस आए। अरविंद केजरीवाल ने दो सीटों से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था। भाई क्या डर था, डर रहे थे कायर वगैरह वगैरह जो लेबल कर रहे हैं आप राहुल गांधी को, ये तो नरेंद्र मोदी को भी किया जा सकता है। दम था, अगर बूता था तो वडोदरा से क्यों लड़े। तो ये चीज तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी पर भी फिट होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी ने अपनी निर्णय क्षमता के अनुसार ये निर्णय लिया है। ये निर्णय बिल्कुल ठीक है इसलिए भी क्योंकि बीजेपी बड़े ही बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे, उसके बाद जो एक वाचाल औरत है स्मृति ईरानी, जिसने काम तो कुछ करना नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ तमाम उल्टी सीधी बातें करके वो ध्यान भ्रमित करती है। दरअसल ये चुनाव देश के सर्वाइवल का चुनाव है, आपके हमारे इस हमारे मुल्क के सर्वाइवल का चुनाव है। ये निश्चित है कि यदि ये चुनाव जनता नहीं जीत पाई तो ये देश नहीं बचेगा, इसलिए इसमें कोई भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते, यू कांट टेक एनी रिस्क। इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है उसे वो मौका न दिया जाए। स्मृति ईरानी बड़बोलेपन के लिए मशहूर है, वो जब अगर राहुल गांधी वहां चुनाव मैदान में उतरते तो ये चुनाव ज्यादा व्यक्तिगत बन जाता, और भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि ये चुनाव व्यक्तिगत बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो तथाकथित जादू होता था, लहर होती थी, सुनामी होती थी, वो सब तेल लेने चले गए, नरेंद्र मोदी का जादू चल नहीं रहा है। इसलिए अगर व्यक्तिगत बिकरिंग चलेगी, तू मैंने के दौर चलेंगे हर सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडा और अपनी ऊंची आवाज, अपनी भद्दी गालियां, जिसपे चुनाव आयोग सोया हुआ है, चुनाव आयोग के सोने की गारंटी भी है, उन चीजों से भारतीय जनता पार्टी एडवांटेज ले सकती है। लेकिन हमें इसको चर्चा का चुनाव नहीं बनाना, व्यक्तिगत बकैती का चुनाव नहीं बनाना, हमें इसे जनता के मुद्दों का चुनाव बनाना है, और जनता के मुद्दों का चुनाव तभी होगा जब व्यक्ति केंद्रित नहीं होगा यह चुनाव। तो इस बार स्मृति ईरानी को अपने काम गिनाने पड़ेंगे, जब किशोरीलाल शर्मा के सामने वो लड़ेंगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया, काम कैसे गिनाएगी, बकर बकर तो बहुत कर सकती है, क्या सिलेंडर लेके बैठेगी कि 414 रुपए का सिलेंडर था और हमारे आने के बाद से ये 1200 रुपए का हो गया है। उज्ज्वला योजना का ढोंग वो सारी गांव की महिलाएं अमेठी में जानती हैं, क्या करेगी स्मृति ईरानी, किसको गाली देगी, केवल चिल्लाती रहेगी कि राहुल गांधी भाग गया, राहुल गांधी भाग गया, राहुल गांधी भाग गया, इसलिए तुम्हें वोट दें, जनता पूछेगी। और रायबरेली में जो इमोशनल कनेक्ट है उसको इनकैश किया जाएगा। बेसिकली इंडिया गठबंधन ने शायद, कांग्रेस ऑब्वियसली उसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ी पार्टी है उसमें, इसलिए ये इज्जत तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। और प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ना जो सोचा है, मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक निर्णय है, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो भीड़ है, जो रैलियां हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, उसमें काफी ऊर्जा दिख रही है, अच्छे भाषण हो रहे हैं, जनता का अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है। और इस दौर में जब बहुत से नेता डराए हुए हैं, जो बहुत से स्टार कैंपेनर्स इंडिया के हो सकते थे उनको जेल में डाला हुआ है नरेंद्र मोदी ने, तो अच्छे स्टार कैंपेनर्स की जरूरत है। तो ये बहुत घातक है प्रियंका गांधी का फ्री रहना और घूमना भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने ये जो डिसीजन लिया है ये सूरत बदलने के लिए लिया है। रायबरेली में हरा कर दिखाएं, यहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ना। और बेचारी स्मृति ईरानी, जिसे लग रहा था बहुत सारे कैमरे आएंगे, बहुत मौका मिलेगा, एक्टिंग का मौका मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, काम बताना पड़ेगा, भले सामने किशोरी लाल शर्मा हो या कोई वर्मा हो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।